मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, मैं बेरोजगार लिखूंगा तो इंजीनियर समझ लेगा। इसी नारे के साथ इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर इंजीनियर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि रेलवे दोबारा छात्रों का गुस्सा झेलने जा रहा है। दरअसल सरकार ने रेलवे ग्रेड ए के अफसरों की भर्ती अब यूपीएससी के जरिए करने का फैसला लिया है। यानी पहले जिन पदों पर केवल इंजीनियर्स का दबदबा होता था, वहां यूपीएससी के छात्र भी बाजी मार सकेंगे। इस फैसले से इंजीनियर्स को अपने लिए नौकरियों के अवसर घटते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनका हक मारकर आर्ट्स वालों को दे रही है, और भला इंजीनियर्स का काम आर्ट्स स्टूडेंट कैसे कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। रेल मंत्रालय ने तय किया है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में 150 पद पर सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए भर्ती होगी, जो कि पहले इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन के तहत होती थी। यानी अब रेलवे के 50% उच्च पदों पर आईएएस बैठ सकेंगे, और बाकी के 50% पदों पर रेलवे के ग्रुप बी से प्रमोट होकर जाने वाले अफसर होंगे। सरकार ने यह फैसला रेलवे के मिसमैनेजमेंट को सुधारने के लिए लिया है। पहले रेलवे के कई विभागों में गुटबाजी के कारण रेलवे को नुकसान होता। Today, the Union Cabinet took a very historic decision to merge all these 8 organized services into one service called the Indian Railway Management Service, IRMS. Engineers को ये फैसला पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि पहले ही हमारे लिए नौकरियों के अवसर कम हैं, भर्तियां सरकार सालों तक निकालती नहीं है, एग्जाम होते नहीं हैं, रिजल्ट आते नहीं, और ऊपर से पद भी कम होते जा रहे हैं। गरीब छात्र जाएगा तो जाएगा कहां। ट्विटर पर केदार देशपांडे लिखते हैं कि एक नॉन टेक्निकल आदमी कैसे सर्वे करेगा, सिग्नल सिस्टम ऑपरेट करेगा और इंजन कैसे हैंडल करेगा, ये काम तो इंजीनियर्स का है। मेड इजी के सीएमडी बी सिंह बता रहे हैं कि कैसे हर साल रेलवे के ग्रुप ए के पद कम होते जा रहे हैं। रवि सिंह कहते हैं कि आईआरएमएस पर केवल इंजीनियर्स का अधिकार होना चाहिए, बिना इंजीनियर्स के रेलवे बैलगाड़ी बन जाएगा। प्रमोद कुमार कहते हैं कि रेलवे में इंजीनियर्स एसेट्स मेंटेन करते हैं, ट्रैक्स की देखभाल करते हैं, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं, रेलवे का हर इंच इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, फिर आईआरएमएस में इंजीनियर्स की छुट्टी क्यों की गई है। इस फैसले के जो पक्ष में हैं, उनका कहना है कि ये एक मिथक है कि रेलवे के उच्च पद केवल टेक्निकल लोग संभाल सकते हैं। यहाँ ऐसे लोगों की जरूरत है जो नए आइडिया दे सकें और लीडरशिप प्रदान कर सकें। आईएएस अफसर जब इन पदों पर बैठेंगे तो रेलवे की दशा और सुधरेगी। रोजगार देंगे कैसे, और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने, बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं। सरकार ने ये फैसला कई कमेटियों के रिकमेंडेशन के बाद लिया है। इसके लिए प्रकाश टंडन कमेटी और विवेक देवराय कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने ग्रुप ए की सभी सर्विसेज को मिलाकर एक आईआरएमएस का गठन किया है। इसमें एक भर्ती प्रक्रिया कम जटिल हो जाएगी। दूसरा, उच्च पदों पर अब टेक्निकल के साथ साथ अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए जाने वाले आईएएस अफसर भी होंगे, जिससे रेलवे का काम आसान और एफिशिएंट हो जाएगा। हालांकि विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि ये कहना गलत है कि इंजीनियर्स मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते, उन्हें कम आंका जा रहा है। पिछले कई वर्षों से तो रेलवे को इंजीनियर्स ही संभाल रहे थे। तो फिलहाल सड़कों पर इंजीनियर्स हैं, और उनके प्रोटेस्ट की खबर यूक्रेन युद्ध की वजह से मीडिया से गायब है।